द प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते, मैं हूं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं द प्रिंट की एक खास सीरीज पेज टर्नर। वीकेंड पर आने वाला किताबों का हमारा ये शो। शिवसेना महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ पार्टी पूरे कोरोना पेंडेमिक के दौरान राजनीति का केंद्र रही है। फिर चाहे वो शुरुआती दौर में कोरोना को काबू ना कर पाने की उद्धव सरकार की कमजोरी रही हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत का केस रहा हो, उद्धव ठाकरे और केंद्र की भाजपा सरकार की राजनीतिक टक्कर पर पूरे देश की निगाहें रही हैं। तो आज की हमारी किताब उद्धव ठाकरे, शिवसेना, बाल ठाकरे, राज ठाकरे, मनसे और ठाकरे परिवार से जुड़ी है। इसका नाम है ठाकरे भाऊ, उद्धव, राज और उनकी सेनाओं की छाया। किताब लिखी है जाने माने पत्रकार धवल कुलकर्णी ने। ये उनकी पहली किताब है जो अंग्रेजी में पेंगुइन ने द कजिन्स ठाकरे नाम से प्रकाशित की थी, लेकिन अब इसका हिंदी अनुवाद जो है वो राजकमल प्रकाशन लेकर आया है और इसका अनुवाद किया है प्रभात रंजन ने। अक्सर किताबों के ट्रांसलेशन को लेकर एक बात कही जाती है कि वो अपना एसेंस यानी मूल भाव खो देती हैं, लेकिन इस किताब से हमें ये शिकायत नहीं रहती है। पिछली किताबों के बारे में मैंने कहा था कि इनमें एनेक्डोट्स की कमी है, लेकिन इस वाली किताब में ढेर सारे किस्से हैं, फर्स्ट पर्सन अकाउंट्स हैं, सोशल साइंटिस्ट की टिप्पणियां हैं और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए इतिहास की किताबों के कई सारे रेफरेंस हैं। शुरू के 3-4 चैप्टर्स में प्रबोधनकार और ठाकरे परिवार का शुरुआती दौर, मुंबई का औद्योगीकरण, गुजराती और तमिलियंस का मुंबई में पलायन, तेजी से वैश्विक होती मुंबई में हाशिए पर जाता मराठी समुदाय, उच्च नौकरियों में भारी लोगों का वर्चस्व, आर्थिक पिछड़ेपन से पैदा हुआ मराठी लोगों का एलियनेशन और इस सारे कॉकटेल से निकली शिवसेना पार्टी का ब्यौरा है। जब 60 और 70 के दशक में शिवसेना मुंबई में क्षेत्रीयता और भाषाई राजनीति पर जोर दे रही थी तो भारत के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा था? क्या ये अपने आप में अलग तरह का आंदोलन था? धवल इस किताब में बताते हैं कि उस वक्त असम में बंगालियों का विरोध हो रहा था तो तेलंगाना में गैर मुल्की के खिलाफ दंगे हो रहे थे, कर्नाटक में चालूब लिंगार भारी लोगों के प्रति गुस्से में थे, लेकिन देश के सबसे बड़े महानगर में शिवसेना का नाटकीय उभार जो था वो अकादमिक और गैर अकादमिक लोगों की रुचि का केंद्र बन गया। धवल इसे संभवतः भारत की पहली राजनीतिक पार्टी कहते हैं जो एक कार्टूनिस्ट की अभिव्यक्ति से निकली थी। पार्टी का गठन कर जब शिवसेना ने अपनी पहली सभा बुलानी चाही थी तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि मराठी मानुष में सामूहिक चेतना और सांप्रदायिक गर्व इतना पैदा हो जाएगा। किताब में लिखा है कि शिवाजी मैदान में उस जनसभा में लगभग 4-5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। प्रबोधनकार ने प्रशंसा के भाव से संबोधित करते हुए कहा था कि भीड़ ने ये साबित कर दिया है कि मराठा खून अभी तक अशुद्ध नहीं हुआ है और महाराष्ट्रियन लोग अन्याय के खिलाफ मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। चौथे चैप्टर तक आते आते आप राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के शुरुआती सालों तक पहुंच जाते हैं। किताब में धवल उनके बचपन और युवा दौर के साथियों और नेताओं के मार्फत दो ठाकरे बंधुओं के व्यक्तित्व का खाका तैयार करते हैं। वो लिखते हैं कि हिंसात्मक और उबड़ खाबड़ छात्र राजनीति से शुरुआत करने वाले राज ठाकरे को बाल ठाकरे की लेगेसी का असली वारिस कहा जाने लगा था। राज ठाकरे ने बाल ठाकरे की शैली को अपना भी लिया था। वो भी बाल ठाकरे की तरह हिटलर के प्रति अपनी रुचि छिपाते नहीं थे, लेकिन साथ ही महात्मा गांधी से भी प्रेरित बताते थे। दूसरी तरफ उद्धव शांत स्वभाव के थे और मृदुभाषी थे, सबसे मिलकर चलते थे। उन्होंने पार्टी के मुखपत्र सामना से शुरुआत की थी और औपचारिक तौर पर राजनीति में उतरने से पहले मंच के पीछे से ही काम करते रहे थे। इन दोनों नेताओं की जर्नी में प्रख्यात नेता जैसे छगन भुजबल, गणेश नाइक और नारायण राणे के बारे में भी काफी विस्तार से लिखा गया है। अमिताभ की जरा बाल रखने वाले, टी शर्ट और बेल बॉटम पहनने वाले राज ठाकरे ने अपने राजनीतिक जीवन में बच्चन पर खूब हमले बोले थे, जबकि जयवंती और राज ठाकरे की शादी में अमिताभ बच्चन ने शिरकत तक की थी। अमिताभ बच्चन पर हम बाद में आएंगे, उससे पहले हम जानते हैं कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच अंदरूनी संघर्ष कब शुरू हुआ था। वी शंकर अय्यर ने इंडिया टुडे के एक लेख में राज ठाकरे को शिवसेना का संजय गांधी क्यों बताया था, रमेश कीनी के केस ने राज ठाकरे के बढ़ते कद को कैसे सीमित कर दिया था। धवल इस किताब में बताते हैं कि शुरुआत में राज ठाकरे इतने उग्र नहीं हुआ करते थे, बल्कि उनको मंच पर बोलने से डर लगता था। करीब 2 साल तक वो पेट दर्द या कोई और बहाना बनाकर माइक से दूर ही रहे। अपना पहला भाषण उन्होंने साल 1990 में दिया। उस दिन आजाद मैदान में शिक्षा संस्थानों में फीस बढ़ोतरी के बाद एक मार्च निकाला गया था। इस भाषण के बाद बाल ठाकरे ने राज ठाकरे की पीठ थपथपाई थी और कुछ टिप्स भी बताए थे। आगे लेखक बताते हैं कि इसके 1 साल बाद ही दोनों भाइयों में राजनीतिक विरासत के लिए संघर्ष शुरू हो गया।
दिसंबर 1991 में राज ठाकरे को बेरोजगारों का एक मोर्चा महाराष्ट्र विधानसभा के सामने निकालना था, लेकिन मोर्चे से एक रात पहले ही मातोश्री से राज के पास एक फोन आया जिसमें कहा गया कि मंच से उद्धव को भी बोलने दिया जाए। राज ठाकरे को लगने लगा था कि उद्धव उनसे उनका श्रेय छीन लेना चाहते हैं। उस वक्त राज ठाकरे अधिक प्रभावी लगते थे और उनके लगातार आगे बढ़ने से पार्टी के पुराने नेता भी असहज हो रहे थे, इसलिए संतुलन बनाए रखने के लिए धीरे धीरे उद्धव को आगे बढ़ाना शुरू किया गया। मीडिया ने दोनों भाइयों की टकरार को बड़ा चढ़ाकर पेश किया, इसलिए 1992 में जब बाल ठाकरे से एक इंटरव्यू के दौरान विरासत को लेकर सवाल पूछा गया तो जवाब में उन्होंने कहा कि ऐसा करने की कोई जल्दबाजी नहीं है क्योंकि अभी ये तय नहीं है कि मेरी मौत कब आएगी। कुछ साल बाद उन्होंने मीडिया पर आरोप लगाए कि वो उनके घर परिवार के झगड़े करवाना चाहती है और दोनों भाइयों के बिहाफ पर उन्होंने कहा था कि राजनीति की बात आई तो दोनों भाई राजनीति छोड़ना पसंद करेंगे। हालांकि भविष्य में ऐसा हुआ नहीं। मीडिया उसके बाद भी राज ठाकरे को प्रमुखता से कवर करती रही और उन्हें अगला बाल ठाकरे भी घोषित कर दिया। शिवसेना के कार्यकर्ताओं को भी 28 साल के राज में सेना प्रमुख की छवि दिखाई देने लगी। लेकिन अचानक ही एक दिन 1996 में राज ठाकरे को लेकर लगाए जा रहे सारे कयास थम गए। अलका टॉकीज में लक्ष्मी निवास के बिल्डिंग में रहने वाला एक निवासी रमेश कीनी मरा हुआ मिला। इस हत्या का आरोप राज ठाकरे पर लगा था। इसके बाद विधानसभा में जबरदस्त हंगामा मचा और राज को गिरफ्तार भी किया गया। केस सीबीआई के पास चला गया था और आखिरी में आते आते राज को क्लीन चिट मिल गई थी। धवल लिखते हैं कि भले ही राज ठाकरे कीनी केस में दोष मुक्त हो गए हों, लेकिन यहीं से शिवसेना में उनका उभार सीमित हो गया था। हाशिए पर जाते राज ने शिवसेना से अलग होकर 2006 में अपनी अलग पार्टी का गठन कर लिया। 2008 और 2009 का राज ठाकरे का दौर कैसा था, इस दौर को धवल राज ठाकरे का दौर बताते हैं, क्योंकि साल 2008 में राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। उनका अप्रोच भी उतना ही आक्रामक हुआ करता था जितना कभी शुरुआती दौर में शिवसेना का था। उधर शिवसेना अपने वोट बैंक का विस्तार करना चाहती थी। राज ठाकरे ने अपने भाषणों में पूछना शुरू कर दिया कि मुंबई में यूपी दिवस, बिहार दिवस का आयोजन क्यों किया जाता है, छठ पूजा का आयोजन क्यों किया जाता है। राज ठाकरे की इस राजनीति को लालू प्रसाद यादव ने चुनौती दी थी कि वो मुंबई में जाकर छठ पूजा मनाएंगे, लेकिन शिवाजी पार्क में एक रैली के दौरान राज ठाकरे ने लालू प्रसाद यादव को जवाब दिया था कि लालू आए और मेरे घर के बाहर छठ पूजा करें, वो वापस नहीं जा पाएंगे। राज ठाकरे के इन भाषणों का असर ये हुआ कि मनसे के कार्यकर्ताओं ने रेलवे की भर्ती बोर्ड की परीक्षा केंद्रों पर जाकर हमले किए जहां उत्तर भारतीय परीक्षाएं दे रहे थे। राज ठाकरे को तो रत्नागिरी में अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन मुंबई में हिंसा की छुटपुट घटनाएं होने लगी। इस विवाद का नतीजा ये रहा कि उत्तर भारत का एक 23 साल का नौजवान राहुल राजकुंदन प्रसाद सिंह ने बंदूक के बल पर मुंबई के कुर्ला स्टेशन से एक डबल डेकर बस का अपहरण कर लिया। दावा ये किया गया कि वो राज ठाकरे को मारना चाहता था। बाद में मुंबई पुलिस की गोली में वो लड़का मारा गया और ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया था कि बिहार सरकार ने इस मामले की न्यायिक जांच की मांग की। इस दौर में राज ठाकरे ने अमिताभ बच्चन पर बयानों की एक झड़ी सी लगा दी थी। 2008 में उन्होंने एक रैली के दौरान अमिताभ बच्चन पर हमला बोलते हुए कहा था कि उनका भाग्य तो मुंबई ने बनाया है, लेकिन महानायक ने 84 में चुनाव इलाहाबाद से लड़े। जब अमिताभ बच्चन की बातों में इतना ही वजन है तो वो महाराष्ट्र के किसानों की आत्महत्या पर क्यों नहीं बोलते, अपनी बहू के नाम पर लड़कियों का एक स्कूल खोलने के लिए यूपी को क्यों चुना, महाराष्ट्र क्यों नहीं। जब अभिषेक बच्चन की फिल्म द्रोण का म्यूजिक लॉन्च होना था तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जया और अमिताभ बच्चन ने ये बोल दिया था कि हम लोग यूपी के हैं, हम हिंदी में बात करना चाहेंगे, महाराष्ट्र के लोग हम लोगों को माफ करें। इस मौके पर राज ठाकरे ने बच्चन परिवार को जबरदस्त घसीटा था। आखिरकार बाल ठाकरे के कहने के बाद अमिताभ बच्चन ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी, लेकिन राज ठाकरे इस पर तंज कसे बिना रहे नहीं। उन्होंने कहा था, गुड्डी बूढ़ी हो गई लेकिन अकल नहीं आई। जबकि धवल लिखते हैं कि किणी केस में हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया था कि राज ठाकरे को उस मामले से बाहर निकालने वाले अमिताभ बच्चन ही थे। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमिताभ बच्चन ने केंद्र सरकार में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए सीक्रेटली तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और शिवसेना प्रमुख की एक मीटिंग अपने घर पर आधी रात को कराई थी। उन दिनों उड़ती उड़ती ये खबर भी आई थी कि सीबीआई तो राज ठाकरे को गिरफ्तार करने वाली थी, लेकिन उनकी जान अमर सिंह ने बचाई थी। लेकिन राज ठाकरे ने अपने राजनीतिक जीवन में अमर सिंह को भी नहीं बख्शा। आखिरी में एक और किस्सा है जो 2009 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। चैप्टर का नाम है मनसे का पतन और शिवसेना ने अपनी पकड़ कैसे बनाई।
दरअसल 2009 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद मनसे के पुराने दुश्मन रहे अब्बू असीम आजमी ने घोषणा कर दी थी कि वो हिंदी में शपथ लेंगे। आजमी ने ये मांग भी की थी कि उनको एजेंडे और बाकी कागजात भी हिंदी में दिखाए जाएं। राज ठाकरे ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि हर MLA मराठी भाषा में शपथ लेगा, लेकिन किसी और भाषा का इस्तेमाल किया गया तो उसको सबक मेरे MLA सिखाएंगे। किताब में लिखा है कि 9 नवंबर 2009 को सदन का पहला दिन था, आजमी शपथ लेने के लिए आगे बढ़े। जब उन्होंने हिंदी में शपथ लेना शुरू किया तो पुणे से मनसे के विधायक रमेश वांजले ने शपथ मंच को खींच दिया। मनसे के बाकी विधायक भी सदन के बीच में आ गए। उधर से शिवसेना के विधायक भी कूद पड़े कि कहीं मराठी मानुष एजेंडा उनसे छीन ना लिया जाए। इससे पहले कि आजमी को सुरक्षा घेरे में लिया जाता, मनसे के विधायक राम कदम ने उनको जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन यह मजेदार बात यह भी रही कि कांग्रेस के विधायक बाबा सिद्दीकी, रमेश सिंह ठाकुर और अमीन पटेल ने भी हिंदी और अंग्रेजी में शपथ ली थी, लेकिन मनसे ने उस पर कुछ नहीं कहा था। आगे के चैप्टर्स में धवल मोदी इफेक्ट, सत्ता के बदले समीकरण, BMC का युद्ध, 2019 के चुनाव में गठबंधन को लेकर पैदा हुआ द्वंद्व और शिवसेना व मनसे के सीमित आकर्षण की व्याख्या करते हैं। वो लिखते हैं कि किस तरह शिवसेना और मनसे दोनों के पास ही भावनात्मक या अस्तित्व से जुड़े मुद्दों के अलावा आज के दिन कोई एजेंडा नहीं है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो द प्रिंट को YouTube पर सब्सक्राइब करिए, सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करिए और पेज टर्नर के अगले एपिसोड के लिए कमेंट बॉक्स में हमें मशविरा दीजिए। मैं ज्योति यादव, द प्रिंट।